3, 2, 1 अपने सफर के लिए। चलो सबसे पहले फ्रेश होकर आता हूँ भाई, पूरा अच्छे से सेट होकर आता हूँ, ठीक है। Few moments later. Perfect. हाँ ये कर लो पहले। गाइस ऊपर चलते हैं अपन, ऊपर बात करेंगे चिल्ला चिल्ला के, यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बात नहीं हो पाएगा, ठीक है ऊपर चलते हैं। ठीक आ रहा है वीडियो यार स्क्रीन में, मैं तो ऊपर में हूँ यार। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अनदर वीडियो। सो गाइस आप लोग कैसे हो, आई होप कि बहुत ही अच्छे होगे, प्यारे होगे एंड मस्त 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 मजे में होगे गाइस। सो गाइस आज हम जा रहे हैं पूरी फैमिली घूमने। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दंतेवाड़ा, गीदम, बीजापुर, तीन जगह जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं 18 सालों बाद, समझ सकते हो 18 सालों बाद। अरे देवा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यार अभी इजिली हो गया जाना, इसलिए हम जा रहे हैं। एंड काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे जाना, बट जा नहीं पा रहे थे, कोई ना कोई बिजी हो जाता था घर में और टाइम भी नहीं मिल पाता था अच्छे से, तो नहीं जा पा रहे थे। तो फाइनली टाइम मिल गया है, वो दिन आ चुका है, तो हम जा रहे हैं सब। और कौन कौन जा रहे हैं हमारे घर में? पापा, मम्मी, मैं, छोटी, पिंटू, बड़ा भाई नहीं जाएगा क्योंकि वो घर का थोड़ा काम है, वो सब देखेगा। और साथ में जा रहे हैं बुआ और मामा, जो पापा की बहन है छोटी वाली, उनके, ठीक है। और चलो मज़ा आएगा घूम के। और एक चीज़ बता दूँ, 18 साल हो गया है हम गए नहीं उधर, और पहले हम उधर ही रहते थे। पहले हम 2007 को या 8 को आए हैं यहाँ पर, हमारा जो होम टाउन है वहाँ पर, और पहले हम उधर ही रहते थे, तो उधर ही स्कूल वगैरह हुआ है 1, 2, 3 कुछ, वो सब दिखाऊंगा। और कहाँ रहते थे वो भी दिखाऊंगा, किराए में रहते थे अपन। और वहाँ पर हमारे रिलेटिव भी रहते हैं जो कि बड़े माँ हैं, भैया, दीदी सब हैं, तो उनसे सब मिलाऊंगा और काफ़ी मज़ा आएगा। साथ ही बीजापुर में भी रिलेटिव है हमारे मामा, तो वहाँ भी ले जाऊँगा, वहाँ दिखाऊँगा। और क्या चीज़ स्पेशल है जो मैं पिछले ब्लॉग में बोल रहा था, तो अभी जैसे दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो मस्त या मज़ा आने वाला है, ठीक है। और मैं पहले बोल दूँ ये ब्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा, तो स्किप मत करना, फुल देखना। और जो भी नए होंगे भाई प्लीज़ सब लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो मैं तो रेडी वेडी हो चुका हूँ, मम्मी लोग ना आ रहे हैं अभी, पापा भी सब रेडी हैं, बस थोड़ी देर बाद निकलेंगे 8-9 बजे, ठीक है। सो गाइस आप सभी को अब मैं दिखाने वाला हूँ स्पेशल चीज़, सरप्राइज चीज़, और दिल थाम के बैठना, ठीक है। पहले कभी नहीं हुआ है तो दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ बताओ। 3, 2, 1 गो। यो देखो ये रही हमारी न्यू गाड़ी, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, कुछ दिन हो गया ले लिए हैं, और आप सभी को कैसा लगा बताना, ठीक है। मज़ा आया, ये हमारी गाड़ी है खुद की, इसी गाड़ी में हम जा रहे हैं घूमने पूरा फैमिली फर्स्ट टाइम, कैसा लगा बताओ, बताओ गाइस कैसा लगा, ठीक है। मस्त आ गया घर में गाड़ी, तो कोई टेंशन नहीं, जब चाहे कहीं जा सकते हैं लंबे टूर में, मज़ा आने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे ब्लॉग आएंगे इसमें, मैं रहूँगा तो आएंगे, नहीं रहूँगा तो कैसे आएंगे, ठीक है। तो आते रहेंगे ब्लॉग ऐसे, एकदम फुल पार्टी करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था, और नेक्स्ट गाड़ी भी आ जाएगी जल्द, तो वेट करना। सो गाइस हम निकल चुके हैं अपने सफर के लिए, ये रहा गाड़ी, बाकी सब अंदर में है। यहाँ पर है मम्मी, बुआ, छोटी, मामा, पिंटू, ये रहे मेरे हेमंत भैया, ये गाड़ी चलाएंगे, क्यों भैया? चलो चले, पापा भी आ गए, ये देखो मेरे पापा। चलो गाइस लेट्स गो। कैसे लग रहे हैं मम्मी, इतने साल बाद जा रहे हो, 18 साल बाद, हाँ ठीक ठीक लग रहा है, खुशी हो रहा है, खुशी हो रहा है, जा रहे हैं। बुआ हाँ बोलना, खुशी होते का ना, खुशी होते। 2007 में आए थे हम लोग, 2007 में आने के बाद लगभग 17 वर्ष के बाद जो है हम अपना की ओर जो है छे में है पिंटू और मामा,
तू बता तेरे को कैसा लग रहा है? मैं उस समय तो छोटा तब से गया ही नहीं था, अब जाने खुशी हो रहा है। मामा कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है जी, ठीक लग रहा है। अभी बहुत साल बाद जा रहे हो ना? बहुत साल बाद जा रहे हैं। गाइस अभी हम आए हैं डीजल भराने। गाइस अभी हम किसकार घाटी पहुंचने वाले हैं, जस्ट रास्ते ही में है, 2 मिनट पहुंच जाएंगे। तो गाइस अपन पहुंच गए किसकार घाटी और यहां से घाटी स्टार्ट होने वाला है। गाइस अभी हम किसकार के बीच एक मंदिर है, वहां हम रुके हैं। ये मंदिर है, ये देखो लिखा है किसकार घाटी, किसकार घाटी जिला कोंडागांव। तो मंदिर है माता का, तो यहाँ थोड़े दर्शन करेंगे अपन। काल घाटी खत्म हो गया गाइस, क्या व्यू है गाइस देखो। गाइस अभी हम पहुंचे हैं कोंडागांव, ये देखो दो फेमस। गाइस हम पहुंच गए जगदलपुर, फाइनली भाई जगदलपुर। गाइस अभी हम लंच कर रहे हैं और लंच में क्या बना है देखो, रोटी सब्जी है, पूरी फैमिली खाएगी। इधर भी है पिंटू डब्बा पकड़ा, इसमें क्या है गोभी। चलो गाड़ी में खा रहे हैं भाई सब, पिंटू सब्जी ना ये। हाँ मजा आ गया। तो गाइस फाइनली एकदम पहुंच गए, मस्त फीलिंग है भाई क्या बताऊं। कैसा लग रहा है सबको एकदम पहुंच गए? एकदम पहुंच गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद। हैप्पी जस्ट पहुंचने वाले हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए एकदम और बड़े माँ के घर पहुंच गए, भैया दीदी सब हैं, तो सबसे मिलाऊंगा। कैसे हो? बड़े माँ कैसी है? ठीक हो? गाइस ये रहा बड़े माँ दीदी भैया का घर एंड क्यूट सी भाभी, सब बैठे हैं गाइस और बात वगैरह कर रहे हैं मस्त से। अभी खाना वाना खाते हैं और खाने में है चावल, गोभी की सब्जी, भिंडी एंड दाल, और पापा लोग भी खा रहे हैं साथ में, मम्मी लोग शायद बाद में खाएंगे। तो अभी हम पेट पूजा करते हैं। गाइस हम आए आ गया पुराने वाले घर पर, और ये घर है जहाँ हम 18 साल पहले रहते थे, ये वाली अभी लॉक है ये, और ये झूला है साइड में। तो यहाँ हम रहते थे 18 साल पहले, तो बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर। यही हमारा बहुत सारा साल गया है बचपन का, तो बहुत ही अच्छा लगता था पहले। और यहाँ पर जितने भी झील वील हो गए ना, पहले मैदान था एकदम पूरा प्लेन था, अभी थोड़ा झील वील हो गया है। एंड बस इतना ही था, और अभी बीजापुर जाएंगे डायरेक्ट। बाय बाय। अभी हम पहुंच गए हैं बीजापुर, और अभी हम बुआ के घर में। गाइस देखना, अरे कनित देख। गाइस ये मेरी दूसरी बुआ है, कैसे लगा इतने साल बाद आए तो? अच्छा लगा। हैं कैसे लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। अरे छोटी बुआ, दोनों बहन हैं। चलो गाइस इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, काफ़ी थक चुके हैं लंबे सफर के बाद, तो सुबह मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है? चलो इस ब्लॉग को अभी एंड करता हूँ।